बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं न्यू मदर्स के लिए पंजीरी, जो बहुत ही हेल्दी होती है। तो यहाँ मेरे पास 1 kg जो है वो सूजी है, जिसको मैंने छान के बर्तन में डाल लिया है। और तकरीबन 1.25 kg जो है मेरे पास चीनी है, और 1 kg जो है वो देसी घी है। फूल मखाने हैं जिनको मैंने ग्राइंड किया हुआ है मोटा मोटा। ये चारों गूंदे हैं, इनको हम फ्राई करके तो फिर ग्राइंड करेंगे। इसके अलावा बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, किशमिश, ये है हमारे पास मेवों में। सारे मेवे जो हैं वो तकरीबन 300-300 ग्राम है, और जो बाकी चीज़ें हैं वो 50-50 ग्राम है। ये देखें, ये चारों मगज़ हैं, ये संघाड़े का आटा है, ये छोटी इलायची है, ये हसबे ज़रूरत जो है मैंने इसको पीस लिया था, और ये संघाड़े का आटा, ये भी 50 ग्राम है। यहाँ कमरकस है मेरे पास, इसको भी मैंने पीस लिया, ये भी 50 ग्राम है। किशमिश है, इसको मैंने साफ़ करके धो लिया है, 300 ग्राम। सौंठ है 50 ग्राम। तो यहाँ कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है, और उसमें घी ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून घी जो है इसमें ऐड किया है, और जो चारों गूंदे हैं उनको मैं फ्राई करूँगी। इनको हमने इतना फ्राई करना है कि ये फूल जाएं, क्योंकि ये सख्त होती हैं तो इस तरह से ये ग्राइंड नहीं होंगी। तो इनको पहले हल्का सा फ्राई करते हैं, जब ये फूल जाएंगी उसके बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो ये देखें, ये फूलना शुरू हो गई हैं। इनको चम्मच चलाते हुए जो मैं रह गई हैं उनको भी घी में कर रही हूँ, ताकि वो भी फ्राई हो जाए और कोई भी इनमें जो है वो सख्त ना रहे और बग़ैर फ्राई के ना रहे। तो ये देखें, इनको फ्राई करने के बाद मैंने इनको भी पीस लिया है। अभी यहाँ ये मेवे जो हैं, बादाम, पिस्ता, अखरोट और काजू, इनको भी मैंने चॉपर में मोटा मोटा चॉप कर लिया है। इन सब चीज़ों को ग्राइंड करने और चॉप करने के बाद मैंने जो कढ़ाई थी उसको दोबारा चूल्हे पर रखा है, और उसमें तकरीबन 1.25 kg जो है मैंने देसी घी का ऐड किया है, और अब इसमें मैं सूजी जो है उसको भूनूंगी। जैसे घी गर्म होगा मैं इसमें सूजी ऐड कर दूंगी।
ये देखें घी यहाँ पे मैंने और ऐड कर दिया क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा है सूजी के हिसाब से। थोड़ा घी जो है मैंने बाकी मेडिसिन मिक्स करने के लिए और फ्राई करने के लिए रख लिया है, और यहाँ सूजी मैंने ऐड कर दी है। सूजी जो है इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी कि ये लाइट गोल्डन हो जाए और खुशबू आने लग जाए इसमें। सूजी को मैं मीडियम फ्लेम पे जो है वो फ्राई कर रही हूँ ताकि ये जले ना। क्योंकि अगर हम आँच को तेज़ करेंगे तो सूजी जो है वो साइडों से या नीचे से जलना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता सूजी का कलर जो है वो गोल्डन हो रहा है। सूजी जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब पैन में मैंने तकरीबन हाफ कप जो है वो घी का ऐड किया है, और जो दवाइयाँ मैंने पहले पीस ली थी पंजीरी में डालने के लिए उनको मैं थोड़ा थोड़ा फ्राई करते हुए मिक्स करूँगी। यहाँ सबसे पहले मैंने कमरकस डाला है, जैसे ये थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो ये देखें ये फ्राई हो रहा है। अभी मैं इसमें सिंघाड़े का आटा ऐड कर रही हूँ, इसको भी कमरकस के साथ मिक्स करूँगी और चम्मच को चलाते हुए इसको फ्राई करते जाएंगे। तीसरे नंबर पे मैंने इसमें सौंठ ऐड की है, इसको भी इनके साथ मिक्स कर लेंगे। घी थोड़ा मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून और ऐड किया है क्योंकि ये खुश्क हो रहा था। अभी इसमें इलायची पीसी हुई डाली है, यहाँ मैं इसमें मखाने जो हैं ग्राइंड किए हुए वो ऐड कर रही हूँ। अभी चारों गूंदे जो फ्राई करके मैंने जिनको पीस लिया था वो ऐड किए हैं, इनको भी इनके साथ मिक्स कर लूँगी। कढ़ाई जो है वो मैंने मुसलसल चूल्हे पे रखी हुई है और साथ साथ सारी चीज़ें जो है वो फ्राई होती जा रही हैं। अब इसमें चारों मगज़ डाल दिए मैंने, इनको भी इनके साथ मिक्स कर लूँगी।
तो ये देखें चारों मगज़ जो हैं ये भी थोड़े फ्राई हो गए हैं। अभी मैं बाकी के जो मेवे हैं बादाम पिस्ता काजू और अखरोट चॉप किए हुए वो डाल रही हूँ। और इन सब चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। सबसे एंड में मैंने इसमें सूजी ऐड की है। और इन सब चीज़ों को सूजी के साथ मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें सारी चीज़ें तकरीबन मिक्स हो गई हैं। एंड में मैं इसमें किशमिश ऐड कर रही हूँ। किशमिश को भी इनके साथ मिक्स कर लूँगी। और यहाँ चूल्हे पे मैं पैन रख रही हूँ, इसमें मैं शीरा तैयार कर रही हूँ। चीनी जो है वो मैंने पैन में डाल दी है। अभी 2 गिलास पानी की ऐड करूँगी। आपको अगर खुश्क पंजीरी बनानी हो तो आप पानी कम ऐड करें। तो ये देखें यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसको मैं इतनी देर पकाऊंगी कि ये चीनी जो है वो घुल जाए और शीरा तैयार हो जाए। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता चीनी जो है वो पानी में घुल रही है और ये चाश जो है ये तैयार हो गई है हमारी। जैसे ये पकना शुरू होगी हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। तो ये देखें चाश जो है ये पकना शुरू हो गई है। अभी मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी। सूजी और बाकी चीज़ें जो मैंने मिक्स की थी उनको मैं चूल्हे पर रखूँगी और थोड़ी थोड़ी चाश उसमें डाल के इनको मिक्स करना शुरू करूँगी। तो ये देखें सूजी को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी चाश ऐड करती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। अगर आप इसको बिल्कुल खुश्क रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल थोड़ी सी चाश तैयार करें। मैंने क्योंकि ये न्यू मदर के लिए बनाई है तो मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखूँगी और घी भी इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है ताकि ये बिल्कुल खुश्क ना रहे। तो ये देखें ये पंजीरी जो है ये तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की है और ताकत में भी जो है ये बेहतरीन है। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी।
शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।